हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ब्रेड की रेसिपी। आज हम ब्रेड से बनाएंगे शाही टुकड़ा। यह बनाना बहुत ही इजी है। इसके लिए बहुत ही कम इन सामान की ज़रूरत होती है, जैसे ब्रेड, दूध, शुगर। और इसे डेकोरेट करने के लिए बादाम। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, देखते हैं कैसे बनता है ये शाही टुकड़ा। सबसे पहले हम कोई सा भी ब्रेड ले लेंगे। आप कोई सा ब्रेड ले लेंगे, ब्रेड मैदे का भी आता है, आटे का भी आता है, ब्राउन, वाइट, जो भी आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। मैंने भी ब्रेड ले लिया है, उसको प्लेट में निकाल लिया है। जितनी ज़रूरत हो, यानी कि जितने खाने वाले हों उसके हिसाब से हम ब्रेड को ले लेंगे। ब्रेड को चारों ओर से काट लेंगे। काट इसलिए लेंगे क्योंकि ये ब्राउन पार्ट जो है, जब हम फ्राई करेंगे तो और भी काले पड़ जाएंगे। ये सब एक समान दिखे, एक समान कलर में दिखे, इसलिए हम चारों ओर से इसको काट लेंगे। धीरे धीरे करके हम एक एक लेके सबको चारों ओर से काट लेंगे। यह इजीली निकल जाता है। ये देखिए, मैंने चारों ओर से ब्रेड काट लिए। अब मैंने एक पतीले में दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है। दूध फुल क्रीम हो तो और भी अच्छा। और ना हो तो उसे हम धीरे धीरे बॉयल करते हुए उसे गाढ़ा मलाई बना लेंगे, जिससे वो बहुत ही गाढ़ा हो जाए। हमने चीनी डाल के दूध को बॉयल कर लिया है और गाढ़ा कर लिया है। उसके बाद हम दो हरी इलायची लेंगे, उसे कूट लेंगे। कूट करके लास्ट में उसमें दूध में डाल देंगे, डाल के चला देंगे और चला के गैस ऑफ कर देंगे। जब यह दूध ठंडा हो जाएगा तो यह जमने लगेगा। ये देखिए, दूध धीरे धीरे जम रहा है, जिसे ये गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद हम कढ़ाई में रिफाइन लेंगे। रिफाइन लेने के बाद उसमें हम ब्रेड को, जो मैंने काट के रखा था, उसे ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे और धीरे धीरे सारे ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। सारे ब्रेड को हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, नहीं तो यह अंदर से थोड़े नरम से रह जाते हैं। धीरे धीरे करके हम सारे ब्रेड को ऐसे ही फ्राई करते जाएंगे।
stirring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. मैंने धीरे धीरे करके सारे ब्रेड निकाल लिए और ये देखिए एकदम कुरकुरे से सारे ब्रेड तल करके तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए आप किसी भी तरीके से इसे सर्व कर सकते हैं, चाहे तो प्लेट में ऐसे भी रख के ऊपर से अलग अलग मलाई भी डाल सकते हैं, और नहीं तो जैसे मैंने रखा है वैसे भी कर सकते हैं। मलाई हमारी देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी हो चुकी है। उस पर कुछ बादाम या पिस्ता के दाने भी हम डाल सकते हैं। हमारे पास बादाम के दाने थे तो उसे मैंने कट कर लिया है। कट करके इसे अच्छी तरीके से डेकोरेट कर लिया है। और ये देखिए हमारा शाही टुकड़ा लग रहा है ना, बिल्कुल शाही। हमारी ये रेसिपी शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming.